दिल्ली के शिक्षा निदेशक उदित राय का सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद हो चुका है, जिसमें वह एक सरकारी स्कूल में छात्रों से परीक्षा के दौरान किसी भी तरह उत्तर पुस्तिकाएं भरने और उन्हें खाली ना छोड़ने के लिए कह रहे हैं। कक्षा 12वीं के छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से कहा गया है कि अगर छात्र अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में कुछ लिखते हैं तो उन्हें अंक दे। कांग्रेस और भाजपा ने इस वीडियो को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। भाजपा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस वीडियो को ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल की सरकार पर हमला बोला है। आदेश गुप्ता ने इस वीडियो के साथ लिखा कि ये है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की हकीकत। बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है कि शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के निदेशक बच्चों से कह रहे हैं कि उत्तर नहीं आता तो पेपर में उत्तर की जगह प्रश्न ही लिख देना, नंबर मिल जाएंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आंसर नहीं आ रहा है क्वेश्चन को ये रिपीट कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। हमें ब्लैंक कुछ नहीं छोड़ना है, कुछ भी जो भी आपको याद हो, जो भी आपको समझ में आ रहा हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसी को आंसर लिख दो, पर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। वो मैम से मेरी बात होगी, मैम बोली कि अगर कुछ भी लिखा रहेगा तो हम नंबर देते हैं। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।